यदि आप घोसी में रहकर राजा नहुष के बारे में नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से जरूर जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ नए ब्लॉग के साथ। घोसी में जो राजा नहुष की नगरी मानी जाती है, और भी बातें करेंगे राजा नहुष के बारे में, पूरी जानकारी देंगे। साथियों, राजा नहुष की कुछ जानकारी श्रीमद् भगवद गीता से भी मिलता है। उसमें कुछ इस तरह बताया गया है, जब मनु के वंश की चौथी पांचवी पीढ़ी चल रही थी, तब स्वर्ग में इंद्र का राज्य था। तो एक बार दुर्वासा ऋषि के अपमान के कारण इंद्र को उनके श्राप का भागी बनना पड़ा। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इंद्र बलहीन हो गए। इंद्र को बलहीन देख दैत्य ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इंद्र कहीं जाकर छिप गए। इससे दैत्यों का साहस और भी बढ़ गया। रोज स्वर्ग पर अलग अलग तरह के अत्याचार बढ़ने लगे। अन्य ऋषियों ने मंत्रणा करके धरती के उस समय के सबसे तेजस्वी राजा नहुष को स्वर्ग का राजा बना दिया गया। राजा नहुष वीर और प्रतापी थे। उनके प्रभाव से दैत्य शांत बैठ गए, लेकिन स्वर्ग में शांति होने लगी। धीरे धीरे राजा नहुष को स्वर्ग में बैठकर सत्ता का नशा छाने लगा। अपनी मनमानियों पर उतर आए। इंद्र की जगह लेने के बाद इंद्र की पत्नी सची को भी अपने सामने पेश होने का फरमान सुना दिया। नहुष ने इंद्र की पत्नी सची से कहा, जब इंद्र का शासन और उसकी शक्तियां मेरे पास है तो तुम भी अपना पति स्वीकार कर लो। सची ने मना किया। तब नहुष ने रानी सची को तरह तरह की यतनाएं देने लगा, परेशान करने लगे। तब परेशान होकर देवी सची देव गुरु बृहस्पति के पास गई और सारी बातें बताई। नहुष की मनमानियों से ऋषि भी परेशान थे। तब देव गुरु ने सची को एक उपाय सुझाई। उन्होंने सची से कहा कि तुम नहुष का प्रस्ताव मान लो और उससे कहो कि अगर वह सप्त ऋषियों को कहार बनाकर तुम उनकी डोली में बैठकर आए तो तुम उसको अपना पति स्वीकार कर लोगी। सची ने यह सुझाव मान लिया। उसने नहुष को अपने इस शर्त का संदेश भिजवा दिया। सची को संदेश पाकर राजा नहुष खुश हो गए। उसने सप्त ऋषियों को डोली उठाने का आदेश दे दिया। मजबूरी में ऋषियों को नहुष की बात माननी पड़ी, लेकिन वृद्ध होने के कारण वे तेज नहीं चल पा रहे थे। तो नहुष ने डोली उठाकर आगे चल रहे अगस्त ऋषि को लात मारकर तेज चलने को कहा। इस पर ऋषियों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने नहुष को डोली से गिराकर तुरंत अजगर बन जाने का श्राप दे दिया। धरती पर गिरा नहुष अजगर बन गया और अपने किए पर बहुत पछतावा करने लगा। स्वर्ग का राजा बनने के योग्य व्यक्ति अपने अहंकार और गलतियों के कारण अजगर बन गया है। नहुष का उद्धार तब हुआ जब हजारों वर्षों बाद पांडवों ने इस श्राप से मुक्त करवाया। दोस्तों, मेरे पीछे जो ये पहाड़नुमा टीला दिखाई दे रहा है, सैकड़ों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले यहाँ पर महल हुआ करता था। और महल किसका था? वह था राजा नहुष जी का, जो यहाँ के
सबसे प्रतापी और तेजस्वी राजा माने जाते थे। दोस्तों, जो है आपको यह टीला दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने बताया हूँ कि यह महल हुआ करता था और यहाँ पर चार मुख्य द्वार थे। आइए ले चलते हैं आपको ऊपर से दिखाते हैं। यह सतह से लगभग 40 से 50 फुट की ऊंचाई पर होगा। पहले यहाँ पर महल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ के निवासियों ने धीरे धीरे काट छांट कर यहाँ पर खेती करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जो यह सामने आपको खेत खलियान दिख रहे हैं, इसे कोट भी कहा जाता है और घोसी का कोट का जो मटर है काफ़ी मशहूर है। सैकड़ों वर्षों पहले यहाँ पर जो आपको खेत दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर महल हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे खंडहर बनते बनते अब खेत के रूप में बदल गया है और लोग यहाँ खेती करते हैं। अभी भी खेत में मिट्टी से ज़्यादा कंकड़ दिखाई देते हैं। साथियों, जो मेरे पीछे यह मंदिर दिख रहा है, यह शिव मंदिर है और इसके ठीक पीछे बगल में एक तालाब है जहाँ पर राजा नहुस यहाँ पर स्नान करते थे और मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते थे। वो है पूरा एरिया।